कहानी आ रही है दर्शकों के सामने, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नई नई कहानियाँ आए, पुरानी कहानियों पर फिल्म बनाना, ऑडियंस एक चीज़ को बार बार नहीं देख सकती, जितने हमारे दर्शक हैं वो नई चीज़ चाहते हैं और नए कलाकार चाहते हैं। अभी मीडिया वालों की तरफ से बार बार यही सवाल आ रहा है कि नए कलाकारों को लेके क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नए कलाकार अगर नहीं आएंगे तो एक ही कलाकार को देख देख के पब्लिक भी उब जाएगी, और एक कलाकार जो अच्छा कलाकार है वो अपनी कला दिखा सकता है, लेकिन जो नए कलाकार हैं उनकी भी तो कला देखने का उनका भी तो मौका मिलेगा, उनको भी चांस मिलेगा, और जब तक नए कलाकारों को चांस नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री में कोई एक ही आदमी नहीं रह जाएगा काम करने के लिए, एक ही आदमी काम करता रहे उसी तो उसको भी एक कलाकार को भी इतना बोझ पड़ जाएगा काम करते करते कि वो उतना काम उतना नहीं कर पाएगा, इसलिए नए कलाकारों को आना जरूरी है। नया कलाकार आगे चल के नजर आएगा मेरी फिल्म में, तो मैंने अभी शुभम तिवारी हमारे सपने कोमल ढिल्लो हैं, शुभम तिवारी हैं, बाकी मैंने तो रवि जी के साथ में और रानी जी के कुणाल जी के साथ में काम किया है, जो काफ़ी जाने में पहचाने सब उनको है। हाँ, रिलीजिंग पे तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, पुराने कलाकारों के साथ में अलग चीज़ है और नए कलाकारों के साथ में, जब हर कलाकार एक दिन नया होता है, ये तो सुनना चाहिए, हर कलाकार एक दिन नया होता है, एक दिन जो भी आज हीरो पुराने हैं वो भी तो एक दिन नए थे, तो हम नए कलाकार को लेकर के फिल्म नहीं बनेगी तो फिर वो पुराने कैसे होंगे, अभी तो एक सवाल होता है, इसलिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, कलाकार आगे निकले, करण जी का नाम हो, यही हम लोग शुभकामना दें।